हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़किक। नमस्कार, आदाब। आज मेरे साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रिय रंजन स्वरूप। स्वरूप जी, धन्यवाद आपका समय हमें आप दे रहे हैं। मेरा जो पहला सवाल है कि कुछ दिन से हम देख रहे हैं भारतवर्ष में लाखों प्रवासी मजदूर एक एक जगह छोड़ के अपने घर की तरफ पैदल जा रहे हैं और सरकार आज कह रही है सब बंद हो गया, रोक गया। केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है, गृह सचिव है जो अजय भल्ला जी, उन्होंने 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 11 बजे एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं है भारतवर्ष में कई जगह। यह है गृह मंत्रालय के आंकड़ा। आप विश्वास करते हैं गृह मंत्रालय जो कह रहे हैं? देखिए, हम तो अपने घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और गृह मंत्रालय के सचिव जो हैं वो जरूर सड़क पर और उनका जो अधिकारी गण है जो सड़क के ऊपर में देख रहे हैं। तो मेरे पास में कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है कि मैं अविश्वास करूं या विश्वास करूं, लेकिन मेरे पास जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनसे जो खबर आती है, और ये मैं इस बेसिस पर बोलता हूँ कि बहुत से निर्माण उद्योग में जो कंपनियां काम करती हैं वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और साथ साथ में हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं ये ज्यादातर गांव में या हिंटरलैंड में हैं। तो वहां से जो समाचार आते हैं हमारे पास वो ये बताते हैं कि काफी संख्या में लोग वापस लौट रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहीं रास्तों में हैं या कैंप्स में बैठे हुए हैं। तो ये नंबर के ऊपर में कमेंट करना तो मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास में कोई वास्तविक न तो मैंने देख पाया हूं और न ही कोई गणना है। मैं भारत सरकार का जो आंकड़ा है दोबारा आपको बता रहा हूं, बारीकी से बता रहा हूं। भारत सरकार यानी कि गृह मंत्रालय, गृह सचिव भल्ला जी ने कहा सबसे उच्च न्यायालय में ये कहा कि 31 मार्च 2020 2:30 सुबह पूरा भारतवर्ष में 21,064 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, उसमें 6,66,291 लोगों को आस्था उसको शेल्टर मिले हैं, आश्रय मिले हैं। ये भी कहा कि 22,88,279 लोगों को खाना मिला, शायद मुफ्त में खाना मिला, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में। और उन्होंने कहा कि 2011 सेंसस के आंकड़ा में 4,14,00,000 भारतवर्ष में माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है जो अपने नौकरी के लिए, अपने जीविका के लिए अपने गांव छोड़ के कहीं कहीं जगह चले जाते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि उनके अनुमान है कि जो नंगे पैर में सड़क पे घूम रहे थे, बेयर फुट माइग्रेशन पूरा भारतवर्ष में 5-6 लाख है। बहुत लोग समझते हैं कि ये आंकड़ा का विश्वास नहीं करने के लिए तैयार है। लोगों वीडियो में देखा, एक जगह देखिए, आनंद विहार बस अड्डा, मैंने खुद जाके देखा, लाखों लोग वहां पे, अलग अलग शहर में। लोग कहते हैं कि बिहार में, सिर्फ बिहार में, वहां सरकार कह रहे 1,80,000 लोग वापस आ गए बिहार के, अलग अलग जगह से, बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे राज्य से बहुत लोग शहरी इलाके में चले जाते हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य, पंजाब, दिल्ली में जाते हैं। तो ये जो एक एक जो क्राइसिस जो है, तो ये हम इतने कम लोग के ऊपर क्या इसका असर पड़ा? आपका क्या लग रहा है? आप तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बारीकी से देखते हैं और गांव से
जो लोग शहर में आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगे होते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई ठेकेदार के ऊपर सब निर्भर कर रहे हैं। और 24 तारीख प्रधानमंत्री घोषणा किया 3 हफ्ते के लिए, पूरा देश में लॉकडाउन हो गया और लोग पागल की तरह वापस जाने के लिए पैदल शुरू कर दिया। बस नहीं था, रेल ट्रेन नहीं था। आप कहिए अभी। देखिए, मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े देता हूं जिनसे कि आपका सवाल का जवाब शायद आपको मिलेगा। पहला, आपने मुझे बताया जो सूचना दी अभी कि 21,000 कैंप लगे हुए हैं और इसमें करीब 6,00,000 मजदूरों को आश्रय दिया गया है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये वही 6,00,000 लोग हैं जो कि सड़कों से चल करके अलग अलग राज्यों से अपने अपने गृह राज्यों की तरफ जा रहे थे। अगर ऐसा है तो इन 21,000 केंद्रों में औसत हम देखें तो 30 से 32 लोगों को निवास यहाँ पर दिया गया है। जो वीडियो फिल्म चल रही है या जो आप जैसे पत्रकार लोग जाकर के इसको देखते हैं, उनके तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि औसत 30 आदमी एक एक सेंटर में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा शायद गृह मंत्रालय को एक दफे फिर से सत्यापित करना चाहिए, पहली बात। दूसरे, जब निर्माण उद्योग का बात हम करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो कम से कम वर्कर्स की संख्या होती है, और एक चीज और ध्यान रखें कि ये सारे वर्कर माइग्रेंट वर्कर ही होते हैं, इनकी संख्या करीब 4.5 करोड़ लोगों की है। और इन 4.5 करोड़ लोगों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अलग अलग शहरों में समय समय पर आते हैं सीजन के अनुसार, जब समय की हार्वेस्टिंग या सोइंग का काम नहीं हो रहा होता है, और वो एक तरीके के सीजनल मूवमेंट करते हैं। तो एक मोटा सा अनुमान जो मेरा है वो ये है कि करीब 5 से 6 करोड़ लोग जो है पूरे देश में निर्माण उद्योग के काम में लगे हुए हैं। इनको अगर हम देखें सीमेंट के कंजम्पशन के लिहाज से तो भी ये संख्या सत्यापित हो जाती है। अब जो मेरी बातें हुई हैं निर्माण उद्योग में जो काम करने वाले कंट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में काम करती हैं, तो उससे मुझे ये पता लगता है कि ये जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है उसके समय पर जब तक ट्रेनें बंद नहीं हुई थी तो करीब 30-40% लोग तो पीछे रह गए, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अपने घरों के लिए निकल पड़े। और जब ये जो चलने वाले लोग हैं इनसे बातचीत हुई है, उनमें से जो गांव पहुंचे हैं, तो उनका ये कहना है कि साहब हमें कोई भरोसा नहीं है कि वहां पर कितने दिन तक हमारा रोजी रोटी चल पाएगी, क्योंकि काम जो है वो तकरीबन बंद हो गया, बल्कि बंद ही हो गया एक तरीके से ये समझिए, और आना जाना भी बंद हुआ। तो अगर मैं अपना अनुमान देखूं, जो हो सकता है कि शायद गलत हो, लेकिन 4 से 5 करोड़ लोग तो कम से कम निर्माण उद्योग की तरफ से निकल करके अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। और इसके बाद में जो बाकी और छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, जैसे खाना बनाने के लिए ढाबे हैं, छोटे होटल हैं, या सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, या ड्राइवर हैं, जिन लोगों ने अपने यहाँ आकर के रोजी रोजगार करना होता है, ये लोग उसके अतिरिक्त हैं जो कि अपने गांव की ओर चले हैं। अब आया जो आखिरी प्रश्न आपने जो बिंदु उठाया था, जिसमें आपने कहा कि 31 मार्च 2020 2:00 कुछ पर कोई लोग सड़क के ऊपर में नहीं थे, तो इसको सत्यापित करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो गृह मंत्रालय बोल रहा है हमको उसको मान करके ही चलना होगा, क्योंकि हम लोग सब परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी अपने अपने घरों में बंद हैं, तो सड़क के ऊपर जाकर देखने का मौका शायद ही किसी को मिले। पत्रकार आप जैसे जो हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कमेंट दूंगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं। डॉक्टर स्वरूप, ये जो हुई है कुछ दिनों,
भारतवर्ष के इतिहास में शायद कभी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं 40 का दशक में जब भारतवर्ष विभाजन हो गए थे पार्टीशन के समय, उस समय शायद इस तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन ये हुई है, मगर ऐसा कभी नहीं हुई। तो आपका क्या लगता है जो अभी हुई है ये आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर और भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा? और सिर्फ शहर और अलग अलग जगह में जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहे, वहां अलग अलग राज्य में, गांव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं गांव से शुरू करूंगा इसे। और सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये कि जहां जिन राज्यों से ये जो वर्कर हमारे आते हैं, ये राज्य सक्षम नहीं रहे हैं अपने यहाँ पर अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार देने में, और इसी के लिए ये वर्कर जो हैं अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, और इनकी अपनी आर्थिक विषमताएं भी हैं। तो इनको कोई शौक नहीं है कि जैसे हम बिहार के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो मुझे दिल्ली या कलकत्ता या बंबई जाके काम करना है यदि हमको अपने राज्य में रोजगार मिले। तो पहली बात तो ये है कि ये आते हैं रोजगार के लिए, और जब अब ये अपने गांव में वापस लौट रहे हैं तो एक बड़ी समस्या जो अब सामने आने वाली है कुछ दिनों में हमारे सामने, वो ये है कि जो अभी तक थोड़ा बहुत पैसा ये अपने गांव में भेजते थे, जिसको हम कोलोकियल टर्म में कई दफे पोस्ट कार्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो वो पैसा जाना अब रुक गया है, और जो भूमि है जिससे जो उपज होती है वो सीमित है। तो एक की जगह में 3 या 4 लोग खाने वाले वहां पर पहुंच चुके हैं। ये मत भूलिएगा कि इसमें से बहुत से वर्कर अपने परिवारों के साथ वहां गए हैं, और उनकी और भी गहन समस्या है क्योंकि उनके बच्चों का स्कूल, उनके बच्चों का बाकी और तरीके का लालन पालन जो यहाँ शहरों में हो रहा था, उस सबकी विषमताएं भी इनको फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला जो मुझे आशंका है वो है एक तरीके की सामाजिक विषमताओं की, जो कि आज से शायद 10-15 दिन 20 दिन में उभरना शुरू हो जाएंगी। एक बचत है इसमें, बचत ये है कि अभी रबी की फसल लगी हुई है जिसको कि काटने के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत है। तो एक संभव ये प्रयत्न होगा और जरूर होगा ऐसा कि ये जो एडिशनल हैंड्स पहुंच जाएंगे ये लोग जाकर के खेती में मदद करेंगे जहां जहां पर कर सकेंगे। मैं आपको लेकिन इसमें भी जी ऐसे राज्य है जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, ऐसे जगह में प्रवासी मजदूर आके फसल काटते, रबी का फसल जी, वहां पे तो और कुछ असर पड़ेगा। हमारा रिपोर्ट आ रहा है कि ये फसल क्या होगा किसानों को मालूम नहीं है जी, काट के कहाँ रहेगा, पहले बात है काट कौन काटेगा, और अगर ये लेने के लिए तो एक तरह से एक जगह में आप कह रहे हैं कि शायद किसी लोगों का कुछ फायदा हो सकता है, मगर बाकी बहुत राज्य में, बहुत इलाका में नुकसान होने का भी बहुत बड़ा एक संभावना है। हाँ, ये जो मैं आपको कह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात निकाल ली, मैं ये उन राज्यों के लिए कह रहा था जहां पर कि ये वर्कर वापस लौट रहे हैं, और उनको थोड़ा बहुत समझिए कि आप अभी फिलहाल जो है रबी की फसल की कटाई में उनको कुछ काम मिल जाएगा, शायद मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, और इसके बाद में अगली फसल को बोने और जोतने का काम भी शायद इन तक रहेगा। तो 2-3 महीने 4 महीने तक ये लोग शायद वहां पर इंगेज रह सकेंगे। अब रहा सवाल उन राज्यों का जहां पर कि वर्कर जो थे वो आयात किए जाते थे, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, दिल्ली से लगा हुआ जो हिस्सा है, वहां पर भी ये समस्या बहुत गहराएगी, क्योंकि यहाँ भी जो वर्कर आते थे वो हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर ही आकर के काम करने के लिए बाहर से ही आते थे। तो अब यहाँ पर जो समस्या बढ़ेगी उसके उसके बारे में तो खैर अब कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई किसान जो धनी किसान हैं, बड़े किसान हैं इन क्षेत्रों के, उन लोगों ने अपने काम के भर के लोगों को अब कुछ न कुछ इंसेंटिव देकर, भोजन खिला करके, अपने जगह पर रोक करके अभी रोका हुआ है, एक तरीके का कोर स्ट्रेंथ रोका हुआ है, तो शायद उससे कुछ बचत हो।
और एक और चीज है कि मेकनाइजेशन का काफी रोल अब बढ़ेगा यहाँ पर, जो कि थोड़े से विकसित क्षेत्र हैं वहां पर। अच्छा। तो ये तो एक समस्या रहेगी, लेकिन जो बड़ी समस्या मैं जिसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था वो ये है कि जो ये लोग पहुंचेंगे उनकी एक सामाजिक विषमताओं की समस्या उनको वहां पर कुछ समय के बाद में झेलना पड़ेगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज, जहां आपने पूछा कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको ये बताने की जरूर कोशिश करूंगा कि हमारी इकोनॉमी पर इसका काफी बुरा असर पड़ने वाला है। और इसको कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें होने वाली हैं। पहली बात कि हमारा जो निर्माण उद्योग है, जिस उद्योग से मैं संबंधित हूं, उसका काम अभी करीब पिछले 2-3 साल से वैसे भी काफी दिक्कतों का सामना कर रहा था। अब ये एक नई आपदा और आ गई है, और इस आपदा में किस तरीके से ये उद्योग जो है अपने आप को संभालेगा, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, ये एक देखने की बात होगी। काम तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा दूसरा एक जो बोझा बहुत से कंस्ट्रक्शन एजेंसीज पर पड़ रहा है वो ये है कि जो भी उन्होंने अपने पास कारीगर आदमियों को रोक रखा है, उनको करीब करीब 1-1.5 महीने से बिना काम के उनको किसी न किसी तरीके से खाना पीना तो देना ही पड़ रहा है, और साथ में कभी न कभी जाकर के इनकी जो वेजेस हैं वो भी देना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव आएगा। अच्छा। और स्वरूप जी, हमारे पास वक्त कम है, मेरा पास आखिरी दो ही सवाल है। हम एक साथ आपको दोनों सवाल उठा रहा हूं और आप संक्षिप्त में जरा बात कर दीजिए जी। सरकार को क्या क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, और ये बहुत कम समय मिला लोगों को, वक्त कम था, 24 तारीख रात के 8:30 बजे प्रधानमंत्री ने भाषण खत्म किया, 12 बजे से लॉकडाउन शुरू होगी, तो सरकार का क्या क्या करना चाहिए था वो सरकार नहीं किया। और आखिरी जो सवाल है, ये लॉकडाउन के बाद ये जो आर्थिक जो संकट के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और कितने दिन चलेगा, कितने और भी गहरा होने का संभावना है, और आप जरा आम व्यक्ति, आम जो नागरिक है, आम मजदूर है, उनका अगर दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो स्थिति कितना खराब है, हाउ बैड इज द सिचुएशन। देखिए, स्थिति खराब है इतना तो मैं बहुत विश्वास से बोल सकता हूं, कितना खराब है ये तो कुछ समय और निकलने के बाद जब लॉकडाउन खत्म होता है हम लोग आकलन करना शुरू करते हैं तब हमको कितना डैमेज हो चुका है और उसके बाद के सेकेंडरी और टर्शरी डैमेजेस क्या होंगे ये उसके बाद पता लगेगा। तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्थिति प्रतिकूल है और विषम है, इतना मैं जरूर बोलूंगा, और काफी विषम है। मेरा करीब 5 दशक का निर्माण उद्योग का अनुभव है और मैंने 2 या 3 उतार चढ़ाव देखे हैं निर्माण उद्योग में, लेकिन शायद इससे बड़ा उतार चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बात, जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ने वाला है, और उसके लिए भी हमको बहुत से आउट ऑफ द बॉक्स जिनको कहते हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अब रहा सवाल कि सरकार क्या कर सकती थी और क्या तैयारी करनी चाहिए थी, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि क्योंकि ये पूरी चीज जो है उसके लिए शायद सरकार को भी पूरा समय नहीं मिल पाया, इसलिए ये जो बंद करने का निर्णय लिया गया ये निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ अब हमको 2-3-4 चीजों पर और ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इस पूरी समस्या से निराकरण करें और कैसे हम लोगों को वापस ले जा करके काम पर लगाएं। पहली चीज तो ये है, और इसके लिए जरूरी है कि उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, चेकिंग के लिए जो कुछ भी उपाय सरकार कर रही है उसको और बढ़ाएं और उसको और ध्यान दें। ये तो एक सुझाव जो है मैं दूंगा। दूसरा सुझाव ये है कि ये जो हमारे पास में आर्थिक आवश्यकताएं होंगी इन चीजों को देखने के लिए, उसमें एक वास्तविक निर्णय करें। ऐसा न सोचें कि ये जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो सारा भार वहन कर लेंगे, बल्कि मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कुछ ऐसे भी सरकारी विभाग हैं, और मैं आपको उसकी सूचना दूंगा,
जैसे कि रेल विकास निगम वगैरह हैं, उन जिन लोगों ने कि ये तय किया है कि जो कंट्रैक्टर अपने वर्कर्स को रोककर अपने यहाँ रखेंगे, उनके खाने पीने रहने के लिए जो भी उनको पैसे की आवश्यकता होगी वो एम्प्लॉयर देगा, तो एक तरीके से सरकार उनकी मदद करेगी। फिर सबसे बड़ी बात जो सरकार को अब शुरू से ही कर देना चाहिए, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि 8 या 9 वर्किंग कमिटीज बनी हैं जो कि इस विषय पे सोच रही हैं कि अब कैसे इस पूरी चीज का निराकरण किया जाए। तो इसको ब्रॉड बेस करते हुए बहुत से जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनके लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे राय सलाह लेनी चाहिए, उनके मंतव्य भी लेने चाहिए। ये एक काम है जो कि बड़ा जरूरी है, जो सरकार को फौरन करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद रंजन स्वरूप जी। समय बताएंगे कि ये जो संकट जो जिससे हम लोग आज गुजर रहे हैं, ये कितना गंभीर है, कितने दिन चलेंगे और कितने लोग, कितने आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, कितने दिन, कितने लोग का जीविका एकदम नष्ट हो गया और कितने लोग अपनी जीविका वापस पाएंगे। न्यूज क्लिक के साथ आप ये साक्षात्कार आपने दिया, कीमती समय, धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.